ओके हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले, अगर आपके पास भी एक सिंपल पेलेटर का अकाउंट है और आपको उसमें कुछ लिमिट मिली हुई है और आप लोग उसको अपने बैंक अकाउंट में निकालना चाहते हैं या फिर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आज की ये वाले वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इस वाले वीडियो में मैं आपको एक गजब का ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके जरिए आपका पैसा जो 100% बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बताया जाएगा कि यहाँ से पैसा ट्रांसफर नहीं होंगे, ये वो आपको सारी चीज़ लाइव प्रूफ करके दिखाई जाएंगे आपके अकाउंट में कैसे पैसा जाएगा। पूरी पूरी डिटेल वाली वीडियो होने वाली है, तो पूरा कंप्लीट देखिए। सिंपल पेलेटर से जुड़ी हुई बैंक ट्रांसफर करने वाली वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका पैसा 100% यहाँ पर निकलेगा। आपको बता देगा इसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं चलती हैं इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बहुत लिमिटेड ट्रिक्स ही है। जो भी ट्रिक यहाँ पर है आज उसी का यूज करके मैं यहाँ पर अपने पैसे को निकालने वाला हूँ। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद, और आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मोबाइल की स्क्रीन पर करके दिखाते हैं ताकि आपको भी यहाँ पर अपना पैसा निकालने में आसानी आए और आप आसानी से अपने पैसे को विड्रॉल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, और अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। सिंपल पे लेटर टू बैंक ट्रांसफर, तो आपको अपना जहाँ पर भी एप्लीकेशन हो यहाँ पर आप देख पा रहे मेरा, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से सिंपल पे लेटर का जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने खुल के आ जाता है। और अभी आप मेरी यहाँ पर अवेलेबल लिमिट देख पा रहे होंगे, 3600 रुपये आपको यहाँ पर शो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो भी देख लीजिए, साथ ही मैं आपको मैं एक बार ट्रांजेक्शन पर दिखाऊँ। तो इससे पहले आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर मेक माई ट्रिप के जरिए एक वीडियो बना रखी है जहाँ पर मैंने बताया था कि वहाँ से पैसे निकलते या नहीं। तो मेक माई ट्रिप वाली वीडियो आप जाकर देख लीजिए मेरे चैनल पर, आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि क्या वहाँ पर चीज़ें फ्रॉड चल रही है, क्या आपके साथ धोखा किया जा रहा है, या फिर जो वीडियोज़ है यूट्यूबर्स के द्वारा वो आपसे क्यों लोग झूठ बोल रहे हैं वहाँ पर, वो आप देख के समझ जाना, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर पैसा निकालेंगे। जो यहाँ पर एक ही ट्रिक बचती है उसका हम यूज करने वाले हैं। उसका जो यूज है वो होगा यहाँ पर बिल बॉक्स के जरिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल बॉक्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे नहीं शो हो रहा, तो फिर आपको यहाँ पर देखिए नीचे भी आपको बिल बॉक्स शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। दोनों जगह में से आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलिए यहाँ पर बता दें कि आने के बाद देखिए आपको ऐसे ऊपर में काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, और यहाँ पर आपको यूज करना होगा इस फास्टैग वाले ऑप्शन का। अब बहुत से लोग यहाँ पर वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि फास्टैग वाला ऑप्शन ये वो बहुत सारे लोग चीज़ें लोग सोचते हैं, लेकिन हम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको पूरा देख के जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो फास्टैग वाला मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ फास्टैग पर। उसके बाद हमको यहाँ पर चूज करना है पेटीएम फास्टैग, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको शो हो रहा होगा। पेटीएम फास्टैग चूज करने के बाद अब आपको अपने फोर व्हीलर का नंबर डालना है जिससे भी पेटीएम का फास्टैग जुड़ा हो। आपको बता दें कि अगर आपका पेटीएम फास्टैग नहीं है तो आप किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी का भी मांग के इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने फोर व्हीलर का नंबर डाल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेटीएम फास्टैग का नंबर एंटर कर लिया। अब जस्ट हमको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे एंटर करने के बाद देखिए दोस्तों, अब आपके सामने यहाँ पर अमाउंट डालने के लिए आ रहा है कि आप कितने रुपए का यहाँ पर रिचार्ज करना चाहते हैं। तो आपको जितना रुपए सिंपल पे से निकालना है आप उतना टाइप कर दीजिए। यहाँ पर आप मैक्सिमम एक बार में 1000 रुपये विड्रॉल कर सकते हो, तो वो आप ध्यान में रखना, उसके बाद ही आप यहाँ पर काम करना। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 110 रुपये टाइप कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 110 रुपये का रिचार्ज करता हूँ, क्योंकि आपको मिनिमम 100 रुपये यहाँ पर करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैंने 110 रुपये टाइप कर लिया, अब मैं रिचार्ज वाले पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रिचार्ज यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर ये प्रोसेसिंग में है, और अभी हो जाएगा आपके सामने पूरा कुछ चीज़ यहाँ पर लाइव में दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तब तक अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, और यहाँ पर आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पेमेंट हम लोग का सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए पूरा का पूरा चीज़ आपको शो करेगा। अब इसको मैं यहाँ से बैक करता हूँ, और ऊपर देखिए यहाँ पर रिचार्ज 15 अक्टूबर 110 रुपये यहाँ पर जो है सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब यहाँ पर आप जैसे अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में, तो देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी आपको यहाँ पर शो करेगा। 11 रुपये देखिए यहाँ पर कैशबैक भी आपको मिला हुआ है, 110 रुपये आपने यहाँ पर किया है और 11 रुपये आपको कैशबैक मिल गया है। तो काफ़ी अच्छा तरीका है ये वाला। अब चलिए बताते हैं कि इसको आपको बैंक में कैसे विड्रॉल करना है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि 110 रुपये यहाँ पर ड्यू भी हो गया, पहले जो 3600 लिमिट थी अब वो कम भी हो गया है। तो आपको लाइव प्रूफ भी मिल गया कि यहाँ पैसा इसी से कटा है, और यहाँ पर कोई भी ऐसे फ्रॉड टाइप की चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। साथ ही में देखिए ऊपर से मैसेज भी आ चुका है सिंपल पेलेटर की तरफ से कि 11 रुपये आपको कैशबैक भी मिलेंगे जब आप यहाँ पर अपना पेमेंट करने जाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो अब चलिए हम बताते हैं कि कैसे आपको इसको विड्रॉल करना है। तो ये जो फास्टैग आपका जिस भी पेटीएम अकाउंट से लिंक होगा, आपको अपना वो वाला पेटीएम अकाउंट ओपन कर लेना है, उसके बाद वहाँ से फिर आपको अपने पैसे को विड्रॉल करना है। चलिए कैसे करना है वो चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मेरे दूसरे फ़ोन में लिंक है ये वाला अकाउंट जिसका मैंने फास्टैग इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको यहाँ पर अभी दूसरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शिफ्ट करता हूँ और आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके अपने दूसरे मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दूसरे फ़ोन भी है। और अब मैं यहाँ पर अपने पेटीएम अकाउंट को ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने वहाँ पर पैसा दिया था फास्टैग में वो पैसा आया है हमारे पेटीएम वॉलेट में। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सिंपल सा। ये मैंने इसका रिकॉर्डिंग कर रही है, यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से पेटीएम का जो अकाउंट है वो खुल के आता है। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है,
और जहाँ पर भी आपका पेटीएम वॉलेट दिखे वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम नीचे स्क्रॉल करके जा रहे हैं और जो यहाँ पर पेटीएम का वॉलेट है आपको दिख रहा है यहाँ पर, अभी उस पर हमको क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। अभी यहाँ पर पेटीएम वॉलेट का जो इसका रिकॉर्डिंग है मेन वाला, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, मैं आपको बगल में स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब जहाँ पर आपको देखिए 400 रुपये करके ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे गाइस, तो फिर आपके सामने जो ऑप्शन खुल के आएगा उसमें आपको देखिए पेटीएम वॉलेट दिखेगा, फिर पेटीएम फास्टैग दिखेगा, उसके बाद नीचे एक और आपको ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सबसे ऊपर पेटीएम वॉलेट वाले पर क्लिक करना है जहाँ पर 141 रुपये शो कर रहा है। तो वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तब आपके सामने जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी आएगी। अभी मैं थोड़ा सा उसको होल्ड करता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 151 रुपये ये शो कर रहा है। वहाँ पर गलती से मैंने 141 रुपये बोल दिया था, और यहाँ पर देखिए 110 रुपये यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हुए हैं, वॉलेट टू वॉलेट देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, और ये यहाँ पर इस तरीके से शो करें। तो यहाँ पर आप देखिए पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो कर रही है, और आपको मैं बता दूँ कि यही वो पैसा है जो हमने अभी ट्रांसफर किया। आप यहाँ पर पीछे आपको देख पा रहे होंगे डेट भी आपको यहाँ पर मेंशन है, डेट आप टाइम दोनों आप चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसको आपको बैंक अकाउंट में कैसे निकालना है। तो ऊपर से दूसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेंड मनी टू बैंक, आपको उस दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। तो वैसे जैसे आप सेंड मनी टू बैंक वाले पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको जितना रुपये भी निकालना आप निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने 110 रुपये यहाँ पर ऐड किया है, तो 110 रुपये मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। 110 रुपये टाइप करने के बाद जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक अकाउंट खुल के आएगा। आपको कौन से बैंक में पैसा लेना है, अगर आपने पहले से सेव कर रखा है तो कुछ इस तरीके से शो करेगा, अगर नहीं ऐड करा है तो आपको ऐड न्यू का जो बटन दिख रहा है ऊपर वहाँ पे क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालेंगे, आपका बैंक अकाउंट कुछ इस तरीके से सेव हो जाएगा। जैसा कि ये वाला अभी आप देख पा रहे हैं पहले से सेव है, तो जो आपका सेव है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको दिखाएगा कि 110 रुपये आप ट्रांसफर कर रहे हो, 1 भी रुपये यहाँ पर चार्ज नहीं लग रहा है, और टोटल आपके अकाउंट में जाएगा कितना 110 रुपये। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद आपको आसानी से पढ़ने के बाद अपना अकाउंट नंबर भी आप ऊपर मैच करवा लेना कि लास्ट में जो अकाउंट नंबर है वही है कि नहीं, उसके बाद फिर आपको नीचे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम ये सब कुछ मैच करके प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब आपसे एक OTP मांग रहा है, आपको OTP डालकर यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का OTP आ चुका है, OTP हम लोग का 16, 12 और उसके बाद यहाँ पर 63, उसके बाद हमको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है। और जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये जो पैसा है सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो भी बैंक अकाउंट आपने अभी पीछे चूज करा था या फिर दिया था। ऊपर देखिए मैसेज भी आ चुका है, तो चलिए मैं आपको मैसेज भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये मैसेज में आप देख पाएंगे कि पेटीएम ने 110 रुपये सक्सेसफुली ट्रांसफर किए हैं, जो लास्ट का अकाउंट है 0786 वाला, और अभी पेटीएम में बैलेंस बचा है 41 रुपये। ठीक है, अब इसको मैं बैक करता हूँ, दिखाता हूँ यूनियन बैंक में भी हमारे पैसा आ चुका है। तो मैं यूनियन बैंक भी यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यूनियन बैंक हमारा, और ऊपर का आप टाइम और डेट भी मैच करवा लीजिए। आज 15 अक्टूबर है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अकाउंट नंबर हमारा 0786 लास्ट का है, 110 रुपये क्रेडिटेड हुए हैं, और आपके सामने यहाँ पर सब चीज़ लाइव प्रूफ हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपको अपने सिंपल पे रिलेटेड से बैंक अकाउंट में अपने पैसे को ट्रांसफर करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आ जाएगा कैसे क्या चीज़ करनी है। अब आपको मैं एक बार पेटीएम पे लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि पैसा यहाँ पर जो 41 रुपये बचा है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर 151 रुपये था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ इसको, और कट करने के बाद फिर आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी बैक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी कोई भी ट्रांजेक्शन शो नहीं कर रहा, तो चलिए मैं इसको पूरी तरीके से बंद करने के बाद दोबारा से ओपन करके आपको दिखाता हूँ ट्रांजेक्शन्स भी। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें दोबारा से ओपन करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि अब हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पर नीचे शो हो रहा है, 110 रुपये ऐड हुआ है पहले, उसके बाद आप देख पा रहे हैं 110 रुपये माइनस हुआ है, और दोनों का डेट देख पाएंगे सेम डेट है और टाइमिंग भी अलग है। ऊपर आप देखिए 151 रुपये जहाँ पे शो कर रहा था अभी 41 रुपये शो कर रहा था। तो वैसे इस तरीके से आपको अपने सिंपल पे लेटर से बैंक अकाउंट में पैसे को निकालना होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद है तो वीडियो को लाइक से कमेंट करिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।